चलो यही ग्लोइंग मॉर्निंग के साथ शुरू तो कर ली, तो फिर लगा चलो शुरू तो हो गए बट मॉर्निंग तो नहीं बोले आप लोगों को, तो हाँ फेस दिखा के सामने सामने एक बार गुड मॉर्निंग तो बनता ही है। तो चलो गुड 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 मॉर्निंग, वार्म वार्म गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सुबह जॉब जा रही हूँ तो लगा कि आप लोगों को भी एक बार बाहर की हालात दिखा दूँ, तो इसलिए कैमरा ऑन कर ली। देखिए बाहर की हालात बहुत 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 ख़राब है आज, क्योंकि आज पूरा दिन ठंड इतना नहीं है, ठंड ठीक ठाक है बट स्नो गिर रहा है, आज पूरा दिन ही होगा। सारे के सारे कार की हालत देखो, पूरे के पूरा दिन आज स्नो गिरने वाले हैं। चलो ना, मैंने अपना कार ऑन करके गए हुए थे तो कार थोड़ा सा गर्म है, इट्स अ गुड थिंग्स फॉर मी। शुरू तो हो गए बट मॉर्निंग तो नहीं बोले आप लोगों को, तो हाँ फेस दिखा के सामने सामने एक बार गुड मॉर्निंग तो बनता ही है। तो चलो गुड 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 मॉर्निंग, वार्म वार्म गुड मॉर्निंग। चाय पी ली, आप जा रही हूँ जॉब पे। हाँ होपफुली 1:30 तक तो ऑफ हो जाना है, होपफुली देखते हैं, क्योंकि आप तो उसके बाद आज नौवा नहीं पिकअप करना, खुद बात पकड़ के आना है। हाँ हो सके तो दिखाऊंगी रास्ते पे, या नहीं हो सके तो सॉरी, बट हाँ हो सके तो मैं जरूर दिखाऊंगी रास्ते का हालात क्या है। इसी के साथ आप सबको अपनी खुद की फैमिली डेली क्रिएशन लाइव बाय पियाली पे एक वार्म वार्म एंड वार्म वेलकम। मैं हूँ पियाली, आपके सबकी प्यारी। तो चलो इसी के साथ शुरू तो कर ली और आने के टाइम पे हालात क्या होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि स्नो गिर रहा है और मैंने ऐसे किचन शू पहन के आ गई, स्नो शू नहीं पहनी कि मेरे दोनों लेग बहुत ज़्यादा सूजा हुआ है, तो इतना स्वेलिंग में मैं स्नो शू घुसा नहीं पाई, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा हो गया। तो चलो चलते हैं अभी जॉब पे और इतना दिखाती हूँ और उसके बाद जॉब से आने के बाद मिलती हूँ। आज भी थोड़ा सा काम है घर पे, भी जो भी करूँगी दिखाऊँगी तो ज़रूर, क्योंकि आप लोग फैमिली हो भाई, विदाउट फैमिली कुछ तो नहीं कर सकती हो। के बाद आप लोग मुझे अपना पता है मुझे क्रॉस करना होता है मॉल, तो मैं अभी मॉल क्रॉस कर रही हूँ, क्योंकि समझ ही सकते हो आज मॉल देखने का और कुछ देखने के लिए टाइम तो है नहीं मेरे पास। देखिए अभी मुझे पिकअप करना है बेटे को, ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा ही खड़ी पे हो, बहुत ज़्यादा मॉल की क्राउड देखो।
थोड़ा सा जो मुझे दिख गया वो भी मैंने दिखा दी थोड़ा सा, है ना, क्योंकि मुझे दिख गया भाई आप लोगों को तो दिखना ही है। तो चलो फिर अभी घर की तरफ, नहीं नो 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 रॉन्ग, बेटे को लेना है ना, ये सबसे बड़ी काम है भाई, मेरी जान को मुझे उठाना लेना है, उसके बाद घर। जाते जाते मैं फ्रोजन हो जाना है, आज देखना, आज ना मैं फ्रोजन हो जाना है, देख लेना। तो चलो आप लोग भी मेरे साथ घर, मुझे लग रहा है मेरे डाटा ना फिर से भर जाएगा आज जो मुझे दिख रहा है। आज बहुत लोग खेलने के लिए भी आ रहे, ये सारे लोग खेलने के लिए आ रहे हैं, पेरेंट्स लोगों को भी कितना काम होता है ना। देखिए आपको बच्चे को तैयार करना है तो पेरेंट्स को तो करना ही पड़ेगा। चलो ऑनेस्टली स्पीकिंग ना मुझे थर्सडे फुल होल पूरा मॉल मुझे क्रॉस करना होता है। थर्सडे फ्राइडे ना मैं पूरा मॉल क्रॉस करती हूँ, मेरे लिए ना बहुत बहुत ज़्यादा ही हार्ड हो जाता है ये। चलो चलते हैं बेटे लेने, आज बहुत ज़्यादा क्राउड है बिकॉज ऑफ ये गेम के लिए, और ऐसे भी तो क्रिसमस के लिए बहुत क्राउड है, बट आज ऐसे भी और आइस हॉकी के लिए बेस्ट बहुत बहुत ज़्यादा क्राउड है। चलो जा रही हूँ बेटे को लेने, क्योंकि मुझे ना बेटे को लेने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा पैदल जाना है, मुझे लगा था मुझे बस मिल जाएगा मेरे लिए इजी हो जाएगा, नहीं मिला यार। चलो 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 गिरने लगी थी, मैं सोचती हूँ मेरे पास भी बेटी बुद्धि आ गई। देखा We have to take bus to the south side. Another side. Other side. Yeah. You go to inside the mall. Yes. It's cross this mall. Oh. And nearby, you know, another door for nearby Dollarama. Yeah. You have another door over there. Just go over there. Okay. It's near there. Just careful. I took it different after here. Then to come back here again. No. Because this place is closed now. Go. Cross this whole fully mall. Another side. Okay. Yes, thank you. Yeah, you're welcome. Just careful. उनको जाना है बस स्टॉप, क्योंकि बस स्टॉप पहले ना इधर था, ये देख रहे हो ये था बस स्टॉप। अभी ऑलमोस्ट जिन लोगों को पता नहीं है, क्योंकि अभी क्रिसमस के लिए बहुत लोग आना आ रहे हैं ना क्रिसमस के लिए शॉपिंग के लिए, और क्या होता है बहुत लोगों को पता नहीं है ना, तो इधर आ जाते हैं, आने के बाद यही देखते हैं कि नहीं है, बहुत गंदा सिचुएशन है भाई, ऐसे भी तो हालत खराब दोपहर से, एक गंदे सिचुएशन ये बस स्टॉप दे दिए अभी, वो भी 5 साल के लिए, सोच सकते हो। एक्चुअली ऑनेस्टली बोलो मेरे लिए भी बहुत इजी होता था, क्योंकि मेरे घर के पास था, मुझे मॉल पहले क्रॉस नहीं करना था होता था, अभी मुझे मॉल क्रॉस करना होता है, तो मेरे लिए बहुत 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 हार्ड हो जाता है, क्योंकि हर रोज जब भी आप पास लो आप मॉल क्रॉस करके इस साइड पे आओ, इट्स नॉट फेयर फॉर मी राइट, क्या करें कुछ नहीं कर सकते हो भाई, है ना, ऐसे ही चलना पड़ेगा अंटिल 5 years। बाबा तो बोलते 6 years, कोई कोई बोल रहे हैं 5 years, आई डोंट नो, लेट्स सी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोली हुई थी, मैं आज आ रही हूँ सुबह जॉब पे, जॉब से तो मैं निकली, बाहर की हालत बहुत 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 ख़राब है, ठंड ज़्यादा नहीं है बट ठीक ठाक ठंड है, बट स्नोइंग हो रहा है, तो देख ही रहे हो स्नोफॉल से आज। मैं सुबह बोली थी मैं मेरा स्नो शूज़ लिया ना भूल गई, तो समझ सकते हो कितना प्रॉब्लम है तो क्या करें कुछ नहीं कर सकती हूँ, हाँ ऐसे ही जाना पड़ेगा घर। तो बस के लिए वेट कर रही हूँ, मैं जॉब से निकली और मैं वेट कर रही हूँ बस के लिए, तो बाहर का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है आज, और एक्चुअली पूरा दिन और
रखा होल डे एंड रात को भी होल नाइट स्नो गिरने वाला है आज, तो क्या करें, देख ही रहे हो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। बाहर भी दिखाती हूँ आप लोगों को, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है बाहर, दिखे एक्चुअली बाहर दिख नहीं रहा कुछ मुझे, आँख में वो गिर स्नो गिर रहा है तो चारों तरफ से वाइट एंड वाइट राइट। तो अभी जब घर पहुंचना, घर पहुंचने से पहले मुझे अभी मैं आज मैं सोची मैं सीधा बेटे को पिकअप करके फिर मैं घर जाना है, अदरवाइज़ ना फिर मुझे ऐसे निकालना मेरे लिए बहुत हार्ड हो जाएगा। तो आज मैं जाने के टाइम पे बेटे को पिकअप कर लेना है, उसके बाद घर पहुंचना है। चलो फिर मैं बात इस साल पे बात तो मैं ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं ट्राईपॉड वगैरह कुछ लेके नहीं निकली, ऐसे ही निकल गई थी। मिलती हूँ घर जाके और रोड रास्ते पे मिल पाओ तो मिलने बात तो ज़रूर करूँगी मैं, कर पाई तो, क्योंकि हाथ भी जम रहा है और सेकंड थिंग से ही कि स्नो भी गिर रहा है, देख लो मेरा आँख बात सब कुछ ऐसा हालत है। तो चलो फिर मिलती हूँ थोड़ी देर पे और जब टाइम मिलते मौका मिले तो मिडिल पे ज़रूर बात करना है ना। तो चलो फिर, क्या होता है ना सुबह सुबह मेरे दोनों लेग इतना ज़्यादा सूज जाता है तो मैं ना स्नो शूज पहन नहीं पाती हूँ। तो मुझे लगा यार ठीक है ठंड तो इतना मैं चल पाऊँगी, ठंड में इतना ठंड है तो मैं चलो ठीक है मैं कर लूँगी, वही ठंड में देखोगे देखो मैं नॉर्मल किचन शू पहन के ही निकल के आगे। अच्छा टिप्स ओके कोई नहीं। चलो मैं इधर जल्दी जल्दी चलूँ आप लोगों के साथ बात करते करते, मैं चली ना मैं धीर हो गई हूँ, स्लो हो गई हूँ मैं, तो मैं बेटे को लेती हूँ उसके बाद ना मैं आप लोगों के साथ बात करती हूँ। हाँ चलो क्योंकि अभी बहुत सारा रास्ता बाकी है, क्योंकि मुझे बस नहीं मिला तो जा रही हूँ पैदल पैदल वॉकिंग। हाँ चलो ये मेरे घर देखे इस साइड पे जाना, ये जो रोड है बस इस साइड पे मेरा घर, और मैं जा रही हूँ बेटे को लेने ठंडी पे। चलो क्या करें जाने भाई जान के लिए सब कुछ है ना, ठीक है चलो। बेटे को भी ले लिए और बेटे को भी आज क्रिसमस गिफ्ट मिला है, व्हाट आर यू हाय इसे हाय उसको क्रिसमस गिफ्ट मिला है, और यह है कि मुझे भी क्रिसमस बोनस हम लोगों को मिल गया है, आज मुझे भी बोनस मिला है। तो एक्चुअली ये है क्रिसमस बोनस हर साल मिलता है ना, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ये नहीं कि बहुत कम, ये है कि कुछ ना कुछ तो मिलता है। दिस इज़ ए इम्पॉर्टेंट फॉर मी, जो भी मिले दिस इज इम्पॉर्टेंट राइट। मैं कभी ये नहीं बोलती मुझे बहुत मिला है बहुत कम मिला है, जैसे मैंने मैनेजर ने बोले कितना मिला है प्यार चलिए मुझे नहीं पता, तो मैं बोले दैट इज ओके फॉर मी, जो भी मिला है दिस इज ओके इज गुड, एटलीस्ट कुछ तो मिला है दैट इट इज़ ओके आई एम हैप्पी। तो चलो इसी के साथ आज हे स्नो के साथ दब 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 करते करते चलते घर। और एक चीज़ इसी ब्लॉक में मेरी जो सिस्टर है, मेरी सिस्टर की चाचा ससुर मतलब काका, उनको बोलना है बंगाली पे ही बोल रही हूँ, सब लोग थोड़ा सा माइंड मत करना, काको देखो अनेक अनेक स्नो पड़े तुम्हार जन्य बोल और स्नो शूटा शू तुम्हार जन कर बुझल अनेक स्नो खूब ठंडा तुम्हें बोले ना स्नोफल्स देखे तुषारपात ये तुषारपात हो देखे तो देखो पूरा जमे गलम तुम्हारे शूट करते गए देखो पाले चले तुषार पाते हो तुम्हें
उसले तो सर पति चले एसो बहुत ठंड बहुत ठंड है सुनो शामिलिंग कर रहा है किसी ने क्या करे करना ही पड़ता है ना और आज कंप्लेन कर देंगे लोग कि नहीं चलेगा मेरा बेटा कहाँ है हो हाँ मैं इकने हूँ कि मैं इधर हूँ मैं इधर हूँ से मैं थैंक यू ते मैं इधर हूँ यस गुड मैं सामने हूँ देखे स्नो देखे कितना देखो आज कितना हाई हो गया देखे कई माँ इस पैंट में क्या लगा के लेके आई बेटा क्या है बेटा पैंट में क्या है माँ पीछे ने चलो तुम चलो पढ़ाई गई तुम्हारे देखते हैं चलो 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 बेटा भी ना बहुत बदमाश हो गया है हे क्या हालात है भाई घर के सामने चलो फिर घर पहुंच गई हूँ मिलती हूँ बाद हाँ जैसे घर पहुंची घर पहुंच के एक्चुअली थोड़ा सा मैं फ्रेश हुई उसके बाद क्योंकि अभी कल से ही आज इनको देना है ना गिफ्ट कल से मैं देना शुरू कर देना एक्चुअली ऑलरेडी कुछ गिफ्ट निकल चुके हैं कुछ गिफ्ट मैंने ऑलरेडी गिफ्ट कर चुकी हूँ अभी इतना पड़ा हुआ है इनमें से ये बड़े वाला बैग में एक फुल्ली एक फैमिली के लिए मतलब तीन चार लोगों के लिए है उसके अंदर फुल फैमिली के लिए ऑलमोस्ट इसमें सबके ही बड़े बड़े जो बैग है उसका फुल फैमिली के लिए मैंने इकट्ठा कर दी और कुछ ऑलरेडी चले गए और इतना बाकी है अभी और ये जो है ऑलमोस्ट जो मेरे पास में ही है जिन लोगों को मुझे घर जाके देख के आ सकती हूँ इन लोगों का है तो कल से ये भी चले जाना है और जितना चले गए तो चले गए चलो सबका गिफ्ट हो गया है जितना बाकी था वो भी मैंने कर दी तो चलो फिर हाँ चलो मुझे देखकर ही लग रहा है मैं फ्रेश हो चुकी हूँ क्योंकि फ्रेश होने से पहले जैसे मैंने दिखा रही थी मैं कचौड़ी वगैरह बना रही थी ना क्योंकि वो मुझे भेजना था वो भी बन के तैयार है नौवा के अभी पिकअप कर लेना है मतलब देखे आना है
शायद नवा नहीं रहा है ना, पर नवा देख के आ जाना है, क्योंकि नवा बोले नवा का भी तबीयत अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत टायर्ड लग रहा है, तो नवा नहीं रहेगा, नवा पापा से आ जाना है सब देख के। तो मैंने आके नहा ली हुई थी आज, ऐसे कुछ रीज़न पहले भी आप लोगों ने मेरे वीडियो पे देखे, थोड़ा सा हूँ पैनिकी, क्योंकि ना राइट रेस्टोरेंट में काम करती हूँ, तो कभी यही होता है कि ग्रिल में आते हो तो थोड़ा बहुत वही भी बगड़ के ऑयल वगैरह छीट जाता है, यही होता है। और मुझे ना एक पैनिकिंग है कि मैं आके नहा लेती हूँ जल्दी से, जिस दिन मेरा मुझे फील होता है कि मेरे बाल पे लग गया, कि मेरे बॉडी पे लग गया। हाँ, बट एज ए मैं किचन पे अभी काम नहीं कर रही हूँ फिलहाल, तो स्टिल कुछ एक्चुअली नॉर्मली मैं होती हूँ फ्रंट पे ऐसे कस्टमर सर्विस, बट फिर भी कभी कभी हो जाता है ना कि एज ए बिकॉज आई नो एवरीथिंग, तो इन लोगों ने जब जरूरत होता है, चलो बिजी है, किसी को हेल्प चाहिए, मैं भाग के जाके मैं हेल्प कर देती हूँ। तो यही एक चीज़ हो जाता है मुझे जिस दिन मैं वो काट लेती हूँ ना, जितना भी मुझे अच्छा लगे, ना लगे, ठंड लगे, गर्म लगे, कुछ भी तबीयत खराब लगे, आई डोंट केयर, आके मैं नहा लेती हूँ पहले। आज भी मैं आके पहले नहा ली, उसके बाद ही मैंने सारा काम किया। हाँ, इसके बाद रात को खाना पीना जो भी होगा मैं दिखाऊंगी आप लोगों को जरूर, बट इस ब्लॉग पे नहीं, नेक्स्ट ब्लॉग पे, इसलिए नेक्स्ट ब्लॉग तो देखना ही पड़ेगा। हाँ चलो फिर, ये ब्लॉग आई थिंक बहुत बड़ा हो रहा है, हमने बहुत बड़ा तो नहीं बना, हाँ कुछ तो हो रहा है, तो क्योंकि लास्ट ब्लॉग भी जो गया हुआ है बहुत बड़ा था, इतना बड़ा नहीं मांग रही थी, तो छोटा, क्योंकि आप लोग भी बोर तो हो ही जाते हो इतना बड़ा ब्लॉग देख के, तो मुझे लगा चलो फिर इसको इधर ही खत्म करते हैं, है ना, तो इसलिए एंड तो बोलना ही था। तो इसीलिए बोलना है यही है कि आप लोगों को इस ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 मेरे साथ में रहना, एक छोटा सा परिवार है, एक छोटा सा फैमिली है, इसको आप बहुत बड़ा करना है, और आप लोगों के बिना तो नहीं कर सकती, तो प्लीज़ 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 शेयर, कमेंट्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग पे, और एक नया ठंडी स्नो हो और भी ठंडी एक ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए वेट करना ही यार, मेरे साथ रहना है, और तब तक के लिए हंसते रहो, खुश रहो, आप हंसोगी, आप खुश रहोगी तो आपका फैमिली खुश रहना है, आपका परिवार खुश रहना है, आपका फ्रेंड लोग खुश रहना है, तब तक के लिए हमेशा हंसते रहो, आप हंसोगी तो सारे लोग हंसना है। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के, बाय बाय।